दही जमा था क्या? चलो मैंने पूछा था ना कौन कौन लाया है, तुम लोग आप लोग क्यों बोलते हैं सर मैं भी नहीं लाया? कैसे बच्चे यार, क्वेश्चन देख लेते हैं एक-एक करके, ठीक है? तुम्हारा तुम लोगों का क्रेडिट टेबल का रिवीजन हो चुका है, ठीक है? तुम लोग अपने आप सारे ऑप्शन को तुम लोगों का एनालिसिस करना है। एक पेपर मुझे देना, कोई भी एक पेपर मुझे देना, और एक-एक पेपर आपस में कर लोगे। यही है ना लाइफ स्टोरी, नहीं होगी लाइफ, एक कोई इस लाइन से इधर होगा, सही है? सही है ना? हाँ ये वाला और जो और कर दो ओके और वाला ये वाला हाँ बस लिखो। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है बेटा? Which of the following is the correct order of ionization enthalpy? ठीक है, बातों को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है हम लोगों को। देखो जा रहे अब देखो यहाँ पर बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब समझ आ रहा है हमको क्या निकालना है? ट्वेंटी 26 क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो, हमको क्या निकालना है 26 में? ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम कैसे निकालेंगे बेटा, जल्दी बताओ। अब देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन को पहले ध्यान से देखो, क्या सारे ऑप्शन में एलिमेंट सेम है? सारे ऑप्शन में एक ही टाइप के एलिमेंट है, वो है क्या? नहीं है, है ना? तो हम पहले एलिमेंट इन्हें लिख लेंगे बड़े प्यार से, ठीक है? अब देखो बेटा यहाँ पर तो आपको बहुत अलग अलग एलिमेंट मिल गए, ठीक है? ऐसा एलिमेंट तो आप लोगों को मिला नहीं था, मिला था नहीं मिला था? अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहली बात, आप लोग जानते हो कि कैटायन का साइज आपका क्या होता है बेटा? कैटायन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज आपका बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले बोलो एनायन का साइज सबसे पहले क्या देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, जल्दी बोलो साइज। साइज अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज होगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले साइज हमको एनालिसिस करें, साइज देखो, साइज दिया हुआ है, साइज के हिसाब से हम कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर एनायन है, ये दोनों क्या है बेटा? एनायन है, ये क्या है? कैटायन है। ये बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैंने किस तरीके से करना क्वेश्चन को समझो, और साइड में एक्स्ट्रा नोटेशन लिखना, क्वेश्चन पेपर पे ही एक्स्ट्रा नोटेशन लिखना जरूरी समझो, तुम्हें कॉपी में नहीं लिखना, और इसी क्वेश्चन पेपर को घर जाके वापिस से रिपीट करना है, ठीक है? ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट याद होते जाए। देखो सर ये एनायन है, ये आपका कैटायन है, ठीक है? मुझको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या क्या होता है बेटा, बताओ किस किस से रिलेट करता है? साइज से, और एक्सेप्शन है कुछ कुछ, वो ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले साइज, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, घटेगी। मतलब साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात क्लियर हो? अब इसमें समझो, वो पोटेंशियल के टर्म में भी देता है, तो इसको भी घबराना नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, अब सबसे पहले एनालिसिस करो, क्या ये सेम पीरियड के एलिमेंट है? सेम पीरियड के एलिमेंट है। देखो सबसे पहले इसको ले लेते हैं एक लाइन से, ठीक है? वो बोलो, बोलो यहाँ पर ली ली ना आपके कौन से नाम पर लिथियम सेकंड पीरियड का ली ना के रब से, मतलब कौन से सिक्स पीरियड का है,
ये भी आपका 6 मिनट का है। ये वाला एनालिसिस करो कौन से ग्रेड का है बेटा, आगे कार स्कूटर बाप, ये भी आपका 6 मिनट का है। ये वाला बताओ फिर कर, ये आपका 5 मिनट का है लेकिन एकदम साइड वाला है। ये वाला कौन से ग्रेड का है बोलो बोलो, किस में आएगा ऑक्सीजन में और सुनील सेठी केरी, कौन सा पीरियड है ये भी आपका 5th पीरियड है। ये बात समझ में आ गया सबसे पहले मैंने पीरियड को डिफाइन कर लिया सबके, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ट आ रहे हैं तो चार्ट में पीरियड का रोल नहीं होता, जब पीरियड का रोल हम किस में रखेंगे बेटा साइज में, जब हमारे पर कोई चार्ज नहीं रहेगा मतलब एलिमेंट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। यहाँ पर एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज है, समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज है। जब आपके एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज रहेगा तो हम पीरियड का रोल देखेंगे नहीं, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसमें एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा जल्दी बोलो, जेड। इसका एटॉमिक नंबर बोलो कितना होगा, पीरियोडिक टेबल देखो ध्यान से, एटॉमिक नंबर बताओ कितना होगा बेटा। इसका भी एटॉमिक नंबर बोलो आप लोग, इसका भी एटॉमिक नंबर बोलो, इस तरीके से डिफाइन करना होगा क्वेश्चन। इसका भी एटॉमिक नंबर बोलो बेटा, बोलो एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा, इसका कितना है 52, इसका कितना है और आयोडीन का 53, इसका कितना है 55, हाँ इसका कितना है 56। अब देखो यहाँ पर ट्यूबेरियम का साइज, ट्यूबेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है बोल 56, टेलुरियम का कितना है 52, आयोडीन का कितना है 53। अब इसको ध्यान से देखो, अगर इसमें मैं पहले E निकालता हूँ फिर मैं P निकालता हूँ, P की वैल्यू तो इसके एटॉमिक नंबर की इक्वल ही होगी, P की वैल्यू किसके इक्वल होगी एटॉमिक नंबर के। P क्या है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, इसके लिए कितना होगा 55 और इसके लिए कितना होगा 56, ये बात क्लियर हुआ। अब इलेक्ट्रॉन तो पता करते हैं, तो 52 में कितने इलेक्ट्रॉन आए, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो गया 53 में कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो ये कितना हो गया 55 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो ये भी कितना हो गया 56 में दो इलेक्ट्रॉन थे, ये कितना हो गया। तो ये कौन सा स्पीसीज है, पोलर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी है टू चेक फॉर E अपॉन P रेशियो। आप बताओ E अपॉन P रेशियो किसका ज्यादा है, जिसका E अपॉन P रेशियो ज्यादा उसका साइज भी बड़ा। आप बताओ E अपॉन P रेशियो किसका ज्यादा है बेटा, इसका ज्यादा है। तो अगर मैं साइज के हिसाब से बात करूं तो साइज किसका मैक्सिमम होगा बोलो, P-2 का, उसके बाद I-, का, उसके बाद CH+ का, उसके बाद BH+। और मैंने बोला था ना हमेशा एनायन का साइज बड़ा होता है, समझ में आ गया साइज। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है साइज का, तो उल्टा करो क्या हो जाएगा, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी कम, I-, उसके बाद CH+, उसके बाद। अब समझ में आया, तो ये किसका वो ऑर्डर है नीचे वाला और ऊपर वाला, समझ में आ गया। तो साइज पूछे तो साइज भी निकाल सकते थे और आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे तो वो भी हम लोग निकाल सकते थे। बात क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ बेटा, ये चीज किसको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन एक्सप्लेन करना आ गया, खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे करोगे एक्सप्लेन करो, सब बोलो। क्वेश्चन को मैंने कैसे डील किया बताओ, सबसे पहले मैंने एटॉमिक नंबर निकाला, सबसे पहले मैंने एनालिसिस किया, जब भी चार्ज है, जब भी किसी एटम पे चार्ज है तो सबसे पहले एनालिसिस करो, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो नहीं है, तो मैंने क्या चेक किया आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं E अपॉन P रेशियो, फिर मैंने सॉल्व कर डाला, जब भी चार्ज आए तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से E अपॉन P रेशियो से मैंने इसको सॉल्व कर डाला, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 26 किसको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, किसको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या चेंज है समझ में आया,
क्वेश्चन डील करने का तरीका समझ में आया। अगला 27 क्वेश्चन आपका क्या बेटा, मैं इधर कॉलम में मैं इधर कॉलम में 27 आपका Attract the bond pair electron towards
आप पहला ऑप्शन पढ़ो, ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी आती है, हाँ आती है, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस आता है कि नहीं आता, पार्शियल जिस पर चार्ज आता है, चार्ज वाले जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे आपके पोलर होते हैं, चार्ज जिस पर क्रिएट होगा उस पर पोलर होगा। अरे ये बताओ पोलैरिटी होती क्या है, कॉमन सेंस वाली बात, सिंपल बात है, आपने पढ़ा होगा ना मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, या फिर आपने ऐसा भी पढ़ पढ़ा होगा बैटरी सेल रखा है, सेल में दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी दो पोल होंगे, पोल किस वजह से क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, तो क्या हुआ पोलैरिटी, बॉन्ड की पोलैरिटी पता पड़ सकती है। सेकंड ऑप्शन क्या है, पोजीशन इन ईएमएफ सीरीज, नहीं ईएमएफ सीरीज वाला बेटा आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेगा, इसलिए आप इसको अभी लीव कर सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी आपको आगे पता पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। और डायपोल मूवमेंट, अब सुनो डायपोल मूवमेंट क्या, डायपोल मूवमेंट आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकालते हो, आपको पढ़ाया था कोई ऐसा फॉर्मूला था जिसमें डायपोल मूवमेंट निकालते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी बताएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल और केवल क्या बताएगा, बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी, डायपोल मूवमेंट नहीं बताएगा। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जैसे मैंने सी H, 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 ठीक है, अब सुनो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से पोलैरिटी आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से क्या आएगी बेटा, पोलैरिटी आएगी, और पोलैरिटी आने के बाद डायपोल मूवमेंट क्रिएट होगा, तो सबसे पहला पॉइंट सबसे ज्यादा सही होगा कि पोलैरिटी बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी बताएगा, अगर बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी नहीं होगी तो क्या डायपोल मूवमेंट आएगा, नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, पोलैरिटी इन बॉन्ड, बात क्लियर हुआ, कांसेप्ट पक्का क्लियर हो गया आप लोगों को, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, यहां पर मैं समझ में आपको आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन में डील कर रहा हूं, क्वेश्चन में किस तरीके से डील कर रहा हूं, और सारे ऑप्शन आप लोग लिखोगे और घर जाके सबको फिर से आपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करोगे तभी आपको केमिस्ट्री अच्छे से आएगा, वरना नहीं आएगा बेटा, इस चीज को ध्यान रख लेना, अपने माइंड में सेट कर लो, केमिस्ट्री जितना ज्यादा आपका एक्सप्लेनेशन स्ट्रांग होगा उतनी अच्छी आपकी केमिस्ट्री होती जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते बेटा, यहाँ पर अब क्या बोला है 29 में कुछ को क्या बोला है बेटा, जल्दी बोलो, यहाँ पर एक्स वाई जेड मुझे तीन एलिमेंट दिए गए, बहुत बढ़िया बात है, एक का एटॉमिक नंबर 19 है, एक का एटॉमिक नंबर 37 है, एक का एटॉमिक नंबर कितना है 55। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करें, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, क्या आप लोग एलिमेंट पहचान सकते हो, तो कैसे कर करोगे, 19 किसका होता है, पोटेशियम के बाद 37 रुबिडियम के बाद सीज़, और आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, देखो पहले चारों ऑप्शन को एनालिसिस, वो ए में आपको क्या दिया हुआ है, आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, ए में आपको क्या बोला गया है, ध्यान से सुनो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोला गया है, बी ऑप्शन में भी क्या बोला गया है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात की गई है, सी में भी किसके बारे में बात की गई है, और डी में भी किसके बारे में बात की गई है, तो यहां पर ओवरऑल क्वेश्चन किस पे बेसिस है, तो हम इसमें जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन टू द ग्रुप क्या होती है बेटा, डाउन टू द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज या इंक्रीज, पक्का क्यों, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के की सबसे ज्यादा, के बाद आरबी के बाद सीएस, और के आपका कौन सा एलिमेंट था, आरबी आपका कौन सा है, और सीएस आपका कौन सा है, चेयर, ठीक है। अब इसमें बताओ बेटा कि आप ये मैंने सही ऑर्डर निकाल लिया, अब इसमें चेक करो कौन सा स्टेटमेंट सही, देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल वुड इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर बोला है ना,
तो इसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसका 37 है, इसका 55। बताओ एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है? नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। दूसरा ऑप्शन बोलो, वायर वुड हैव एन आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिटवीन एक्स एंड जेड। वायर का एक्स एंड जेड के बीच में है। हाँ है। अगला ऑप्शन, जेड वुड हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नहीं, इसको करेक्ट करो। क्या होगा मतलब करेक्ट भी, क्वेश्चन तो सही है लेकिन उस पे कहां है, कहां गलती है, कहां गलती है वो भी तुम लोग वो ऑप्शन में बनाओ कि ये सबसे लेस होता है। ठीक है, अगला क्या है? वाई वुड, यहां पर जेड का हो गया, सी ऑप्शन हो गया। अगला क्या है? वाई वुड हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब बताओ, आप बताओ, आपको अपने आप आया? तरीके से क्वेश्चन करोगे तो तरीके से आंसर आप लोगों को मिलेगा, अगर आप तरीके से नहीं करोगे तो कभी आंसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30। अब जो जो नए नए कॉन्सेप्ट आपको मिलते जाए ना, उसको साइड में लिखते जाओ, समझते जाओ और इसको बार बार रिपीट करो, और इसी के बेसिस से आप दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर का ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट। मतलब आपको सिंपली बोला है कि जो आप क्या बोला गया आपसे खुद ही निकालो, आपको समझाओ मुझे क्या निकालना है इसमें। ऑर्डर या प्रॉपर्टी या ऑर्डर, ऑर्डर निकालना है जो आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, वो निकालना है, ना कि करेक्ट है। बेटा आप लोग अंडरलाइन मार लो, नोट में ही आप लोग गलती करोगे, आप सही टिक मार के आ जाओगे, यही होता है बेटा सबके साथ। अब देखो सबसे पहला मुझे क्या निकालने को बोला है? आयोनिक साइड। अब बताओ आयोनिक साइड हम किससे निकालेंगे? देखो मुझे कौन कौन से एटम दिए गए? एल्यूमिनियम प्लस 3, Mg बोलो प्लस 2, Na प्लस 1, F माइनस। तो सबसे पहले आयंस में हम लोग क्या चेक करते हैं? आयंस में सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं बेटा, जल्दी बताओ? चार्ज चेक करते हैं आयंस में। हाँ, तो आयंस में चार्ज चेक करते हैं, चार्ज चेक करते हैं। उसके बाद क्या चेक करते हैं? pp रेशियो पहले चेक करेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। हम जल्दी से आंसर को टिक नहीं मार देंगे, हमने देखा यहां एनायन तो ये आपका सबसे ज्यादा, ऐसे नहीं। पहले pp रेशियो निकाल के देखो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, जल्दी बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो? इसका एटॉमिक नंबर 13, तो प्रोटॉन भी 13, इसका 12, इसका 11, इसका 10 हो गया। आप बताओ इसमें कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने होंगे? 10, इसका 9 होगा ना? हाँ हाँ, चिल्लाओ बहुत बेटा, मुझे डर आ गया। तो इसका 10, इसका 10, इसका 10। आप बताओ EYP रेशियो किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का। तो आयोनिक साइड किसकी मैक्सिमम होगी? उसके बाद Na प्लस, उसके बाद Mg प्लस 2, उसके बाद। तो यहाँ पर आयोनिक साइड्स का ऑर्डर क्या है? सही है, सही है, चलो ठीक है। अगेंस्ट नहीं है मतलब गलत नहीं है, कौन सा गलत इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो तुमको आ गया, अब इसमें चेक करो अगला क्या बोला है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या बोला है जल्दी से बताओ? बी ऑप्शन किससे रिलेटेड है बेटा, जल्दी बताओ? बी ऑप्शन किससे रिलेटेड है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के सारे कांसेप्ट आप लोगों को निकाल लेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन देखो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब बोला है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जनरली आप अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये आपके कौन से ग्रुप में? 13, मतलब पीरियड तो सबका सेम है, सबका पीरियड कौन सा है? सेकंड पीरियड है। और ग्रुप इसका कौन सा है? 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो किसका आपका आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली ज्यादा होगा, ऐसा होगा। लेकिन कुछ देर बाद थोड़ा और सोचो कि ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में एक्सेप्शन है,
there are exception in group 15 and group 16 beta tum log na reader mat kar do main pehle galat likhta hu fir main sahi likhta hu group 15 aur group 16 mein exception hota hai aur group 15 aur group 16 mein exception kyun hota hai group 15 aapka kaun sa hota hai r field aur vital wala hota hai aap field wala aur vital hone ki wajah se iski stability kya hoti beta ज्यादा होती है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है ज्यादा होती है जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा बताओ तो क्या होगा बेटा इन दोनों में आप सही ऑर्डर बताओ क्या होगा अब आंसर क्या आएगा बी आएगा बी आएगा ना बी गलत ही आवाज हम सी को भी डिस्कस कर लेते ताकि हमारे कांसेप्ट स्ट्रांग हो जाए अगला क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद द नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अपने नेगेटिव साइन के साथ आपको करना है ठीक है चलो कोई बात नहीं जनरली हम इलेक्ट्रॉन फॉर एफिनिटी देख लेते हैं आई अब देखो यहां पर Cl F बोलो यहां पर सॉरी फिर कल बाहर आई आर आप मुझे बताओ इसको कैसे डील करोगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है बेटा सबसे ज्यादा डाउन साइड नीचे जाएंगे तो क्या होगा साइड इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज बात क्लियर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बेटा डिक्रीज होगा ये बात सही है अब यहाँ पर कैसे डील करेंगे बेटा आप देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बनाओ ऑर्डर इसके हिसाब से क्या होगा फ्लोरीन का सबसे ज्यादा उसके बाद क्लोरीन क्लोरीन के बाद ब्रोमीन ब्रोमीन के बाद आयोडीन लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्या है सेकंड पीरियड का आपका क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव साइन में होता है बताया था अभी अभी बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड का हमेशा कौन सा साइन में होगा नेगेटिव साइन में तो नेगेटिव साइन में होगा ठीक है और यहाँ पर थर्ड पीरियड का भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअली क्या होता है कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट छोटा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है किससे थर्ड पीरियड से तो क्लोरीन आ जाएगा क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आ जाएगा फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन आ जाएगा ब्रोमीन के बाद आयोडीन आ जाएगा ठीक है नेगेटिव साइन के साथ पूछा है तो नेगेटिव साइन के साथ कौन बड़ा होगा क्लोरीन क्लोरीन के बाद फ्लोरीन फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन ब्रोमीन के बाद आयोडीन बात क्लियर हुआ कंसेप्ट समझ में आ गया कोई तकलीफ यहाँ पर अरे बेटा नेगेटिव साइन के साथ पूछे तो वही ऑर्डर होता है कोई ज्यादा इतना टिपिकल नहीं है सिंपल लिखो आप लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल दो सिंपल आपका कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा हाँ अगर पूछता पॉजिटिव साइन के साथ तो थोड़ा तो थोड़ा अंतर होता है पॉजिटिव साइन के साथ पूछता तो थोड़ा अंतर होता बात क्लियर है नेगेटिव साइन के साथ पूछता तो ठीक है लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ पूछता तो थोड़ा अंतर हो जाता बात क्लियर है अगला समझो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा इंक्रीज मेटालिक करेक्टर बी नाम के रब से भर जा डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो क्या बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी डिक्रीज होगी ठीक है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बढ़ेगी अब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो मतलब मेटालिक कैरेक्टर भी आपका क्या होगा बेटा इंक्रीज होगा बात क्लियर है तो यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा आरबी का आरबी के बाद के का के बाद एनए का एनए के बाद लिथियम आप देखो इसमें सही है ये वाला ऑर्डर आप तुम्हें चारों ऑप्शन तुम्हें आ जाने चाहिए बेटा ठीक है अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप हम डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 अब क्वेश्चन नंबर 31 तुम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में कैसे डील करोगे मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया तुम लोगों को अब तुम लोग बताओ कैसे डील करोगे क्वेश्चन नंबर 31 का एक्सप्लेनेशन कौन बताएगा तुम में से जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 31 का एक्सप्लेनेशन कौन बताएगा तुम में से सबसे पहले क्या चेक करना है चारों ऑप्शन में एलिमेंट सेम है हाँ या ना हाँ देन आफ्टर चार्ज है हाँ अब चार्ज होते क्या चेक करना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है चेक कर लिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा तो क्या चेक करेंगे पी बाय पी रेशियो
अगर ई बाई पी रेशियो बढ़ेगा तो अब समझ में आ गया तुम लोगों को तरीका कैसे कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, उसका तरीका समझो। हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, हम लोगों को अगर तुम लोगों ने एक्सप्लेनेशन अभी से स्ट्रॉन्ग किया तो एंड ऑफ द टर्म मतलब जैसे तुम्हारे पास अगर एक्सप्लेनेशन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हुआ तो मैं ये बात गारंटी से बोल सकता हूँ क्या कि तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर हमेशा
तो इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ही क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा किसमें, फर्स्ट किसका बहुत ज्यादा, एक्स में। तो एक्स का मतलब क्या आ जाएगा, नॉर्मल केस। बात क्लियर है, बात क्लियर हुआ, समझ में आया। अब अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों में से साइज किसका बड़ा है किसका छोटा है, जल्दी बताओ। अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों में से साइज किसका बड़ा है तो किसका छोटा है, हाँ अल्कलाइन मेटल का बड़ा है। जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बताओ, जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ा होगा या कम होगा, कम होगा। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों में से कौन सा कम है, पाई क्या होगा अल्कली मेटल होगा, और जेड क्या, सॉरी पाई क्या होगा, अल्कली मेटल का साइज बड़ा है ना तो मतलब इसका कम है, तो वाई अल्कली मेटल होगा, जेड हेड क्या होगा अल्कलाइन। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, इसमें कुछ वैल्यू दी गई नहीं है, अगर इतनी ही दी गई होती तो फिर तो मतलब ही क्या था, ये भी कुछ ना कुछ जब वो रीजन की वजह से दिया होगा। अब अगर आप देखो किसी भी अल्कलाइन मेटल, तो अल्कलाइन मेटल का कंसंट्रेशन कितना होता है NS1, ठीक है। तो मतलब मैंने अल्कलाइन मेटल मान लिया, जैसे सोडियम, दोनों को एक ही ग्रुप से मान लेना, मैग्नीशियम, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, बात क्लियर है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा। अब रिमूव करने के बाद लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लिखो 1s2 2s2 2p6, ये कौन सा कॉन्फिगरेशन है, नोबल गैस का, और नोबल गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो इसके बाद जब मैं आयोनाइजेशन एनर्जी लगाऊंगा, इसके बाद जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इसके बाद जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड होगी वो बहुत ज्यादा होगी। देखो सडन इंक्रीमेंट हुआ। अब ये कंफर्म हुआ कि ये आपका अल्कली मेटल, हम लोग इतने में कंफर्म नहीं करेंगे, अब यह आपका कंफर्म हुआ कि यह अल्कली मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल में डाल देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, बात क्लियर है। अब मैं अगर नीचे लेके जाऊंगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो Mg+, बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सब बोलो 3s1, बात क्लियर। क्या अभी जहां पर Ig1 है, अब फिर निकालो Ig2, अब Mg+2, अब बताओ। अब ये बताओ यहाँ पर Ig3, इसका Ig3 में क्या होगा, सडन जंप होगा, क्यों होगा, रीजन बोलो, सडन जंप क्यों होगा, क्योंकि Ig3 मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाता है, इसका Ig3 ज्यादा होगा, और इसके बाद जो वैल्यू आती है वो काफी ज्यादा आती है। समझ में आया किस तरीके से डील करना है क्वेश्चन को, वैल्यूज को समझो, ठीक है। हमको वैल्यू याद नहीं रखनी, लेकिन इसको समझना, ये चीजें समझ में आए अच्छे से, एक्सप्लेनेशन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने किस तरीके से क्वेश्चन डील किया बताया, समझ में आया। हम लोग इससे भी डील कर सकते थे, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए हम ये नहीं लगाए, ठीक है। क्वेश्चन उससे भी डील कर सकते थे, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए हम वाला अप्रोच भी लगाएंगे। किस किस को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब बताओ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। देखो मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का रिवीजन नहीं कराया, आप लोग इसको घर जाके चारों स्टेटमेंट एक्सप्लेन करके लेके आओगे, कौन से स्टेटमेंट में क्या गलत है, कौन से स्टेटमेंट में क्या सही है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, लिख लो 33 क्वेश्चन आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। मैंने बताया था हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल मैंने कराया था, एक टॉपिक तीन दिन स्टार्ट के, मेंडलीव, डोवेराइनर से पहले कौन आया, लेवोशी, उसने मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज किया था पीरियोडिक टेबल को। अगला उसने एक्चुअली पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया था, लेवोशी के टाइम बहुत ही कम,
एलिमेंट थे तो उसने मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज कर दिया था। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, अगर आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में ए बी सी डी चार एलिमेंट दिए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ए बी सी डी चार एलिमेंट दिए हुए हैं, यहां पर किस किस को समझ में आ रहा है एड्रेस, किस किस को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? बेटा डांटूंगा नहीं, किसी को नहीं आ रहा तो बोलो बेटा, तो तुझे आ रहा है रिवीजन करके कौन नहीं आ, कौन आया था पूरा चेक कर, रिवीजन करके कौन आया था ईमानदारी से रहेंगे वो एड्रेस करो, और कौन नहीं आया था वो खड़े हो, वो खड़े हो रिवीजन करके कौन नहीं आया। अगर बेटा तुम लोग रिवीजन करके नहीं आते तो क्यों बैठते हो? बेटा तू बेटा तो मुझे एक चीज बता, थोड़ा सा रिवीजन किया? थोड़ा सा रिवीजन किया ना, तो आज जाके घर पे सारे काम थोड़े से कर, पूरे मत हर काम अच्छे से करेगा, कंप्लीट करेगा, लेकिन पढ़ाई थोड़ा से करेगा, ये गलत है ना बेटा। तुमको दो दिन से बोल रहा हूँ मैं रिवीजन करो रिवीजन करो, तुम लोगों ने अगर रिवीजन किया होता तो एक एक पॉइंट तुम्हें समझ में आ रहा होता, कहाँ कहाँ सारे पॉइंट मैंने लिखा रखे। ऐसे कब तक चलेगा बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ऐसा? तुम रिवीजन करके नहीं आते फिर ना बाद में ब्लेम डालोगे कि टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, बोलोगे तुम वही बोलते हैं बच्चे, पहले खुद पढ़ के नहीं आते फिर बाद में वही बोलते हैं कि टीचर ही खराब। बोलो पांचों से ही क्वेश्चन पूछूंगा, ये ध्यान रखना है, तुम पांचों से ही क्वेश्चन पूछो, ध्यान में बैठ जाओ आज और चीजों को समझो, और आज के टाइम में कल जो थोड़ा सा था आज वो उसको डबल कर, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें खुद टाइम निकालना है, तुम्हें खुद करना, ठीक है? अगर डेली टू डेली रिवाइज करते तो तुम्हारा अभी स्ट्रॉन्ग होता है। आज देखो मैंने क्या बोला था, पुराना तुम्हारा जो भी हुआ है वो सब छोड़ो, नए पे फोकस करो तो अपने आप टॉपिक तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है? चलो अब ए बी सी डी वाला है, तो ए का और यहाँ पर ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है, बी का क्या दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है? अब ये बताओ बच्चों तुम लोग कैसे डील करो, क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया तो सीधा एलिमेंट की पता है इसका कौन सा होगा, ये कौन से नियॉन का, ये किसका होगा ऑक्सीजन, ये किसका होगा, ये किसका होगा, समझ में आ गया पक्का किस किस को समझ में आ गया, समझ में आ गया। आप क्वेश्चन पढ़ो नीचे क्या क्या तो गैन इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम, देखो नॉर्मल गैस का क्या होता है तो सबसे कम किसका होगा, ए का, सबसे कम किसका होगा बेटा, तो ए का क्या क्या आएगा जल्दी बताओ बेटा, यहाँ पर जल्दी करो आप तुम लोग खुद से डिलीट करो आज, सबसे कम किसका होगा, नियॉन का जीरो हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा बेटा बोलो, अब इसको तो भूल जाओ, अब इसमें बताओ एन ए, ठीक है? उसके बाद क्या है एन ए, आप कौन से ग्रेड में, अब ये बताओ एन ए आपका थर्ड ग्रेड का है, ठीक है? ये आपका कौन से ग्रेड का है सेकंड, और ये आपका कौन से ग्रेड का है सेकंड, क्या इसमें कोई चार्ट है,
पीरियड वाइज साइज निकालेंगे तो साइज किसका सबसे बड़ा होगा? ऑक्सीजन तो होगा, सोडियम का होगा ना साइज बड़ा, क्योंकि वो तो थर्ड पीरियड में, तो सोडियम का साइज सबसे बड़ा हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन फ्लोरिंग में ऑक्सीजन का साइज बड़ा तो सबसे कम आएगा नियम का, आप जानते हो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी तो नियम का तो जीरो हो गया। उसके बाद कौन आएगा? सोडियम, सोडियम के बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा? तो बताओ फ्लोरिन किसके लिए था? डी के लिए। सोडियम किसके लिए था? सी के लिए। ऑक्सीजन किसके लिए था? बी के लिए। और उसके लिए पूछा था ए, तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। तरीका समझ में आया किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को डील किया? हाँ, अब 35 क्वेश्चन थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट समझने वाला क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट समझने वाला क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी से रिलेटेड कि थोड़ा सा आप लोगों को खुद एक्सप्लेन करना है, ठीक है? ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ना, एक बार आप लोग खुद से एक्सप्लेन करोगे, कोशिश करोगे, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क है इस डीपीपी में, ऐसे ही मैं दूंगा डीपीपी में ही मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, ठीक है? अब मैंने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए, इतने में से तुम लोगों को बता दिए कैसे करना है क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन कैसे करना, अब तुम्हें इसको कुछ समझ समझ के करना है। नहीं आएगा तो चिंता मत करना, मैं जरूर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा बताओ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा जल्दी बताओ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जल्दी बताओ बेटा। यहाँ पर 36 ए से ई को एनर्जी वन, ई वन का मतलब एनर्जी वन, अभी हमको डिफाइन ही किया गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी ए की क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, वैसे ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, जब तक यहाँ पर गैस नहीं लिखा रहता तब तक हम ना रिमूव करते ना समझ रहा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों ने मान लिया ये, लेट सपोज कि यहाँ पर क्या है गैस, ठीक है? यहाँ पर ए प्लस बना, ये कौन सा, ये क्या है, ये कौन सा टर्म है, आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयोनाइजेशन है, अब ये कंफर्म हुआ कि ये आई ई वन, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, क्या है बेटा जल्दी बोलो आप अगला क्वेश्चन। 37
37 क्वेश्चन कौन सा बेटा जल्दी बोलो, यहां पर बीजों का फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हां बेटा ये फिर से किसका है, किसका है, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि आपको खुद से रीड करके इसको टिक मारना है। ठीक है, आंसर पूछना चाहो तो आंसर भी बता दूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद से करना है पहले, ये तुम्हें पहले क्या करना है बेटा, खुद से फील करना है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 38 क्या है, 37 हो आपका होमवर्क है, सारे ऑप्शन देखो इसमें, सारे क्यों गलत है क्यों सही है सब बताना है। ठीक है बेटा, सही हो गलत है तो क्या होगा, जो सही होगा ये भी बताना है। ठीक है, केमिस्ट्री ऐसा ही सब्जेक्ट है, ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं करते सीधा टिक मारा ऑप्शन, ऐसे करोगे तो आपकी और थ्योरी वीक होती जाएगी। ठीक है, आपको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सी चीज गलत है कौन सी चीज, अगर आप सीधा टिक मारोगे तो हम तो गलतियां भी पहचानी ना, कौन से ऑप्शन में क्या गलत है, अगर गलतियां पहचानोगे तो तुम्हारा ऑप्शन अपने आप से रहेगा। 38 देखो, M plus 3 has the electronic configuration is what? Organ 3D10 4S2। ठीक है, M plus 3 का electronic configuration क्या है? अब आपसे पूछा है M आपका किसके अंदर लाई करता है बताओ, कैसे? क्योंकि M plus 3 का है ना, तो M का क्या होगा, तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और 4s2 के बाद कौन सा आता है, 4s2 के बाद किस में बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, 4p में बढ़ते हैं, तो 4p क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और NH2MP3 किसका होता है बेटा, नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम क्या होता है, निकोजन फैमिली, बताया था ना, तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा। अब सब कुछ पूरा डाटा आप बता सकते हो, तो यहाँ पर तो केवल और केवल क्या पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, हाँ यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ग्रुप ही बोला है, लेकिन आपको पूरा डाटा बताना है, क्या निकोजन फैमिली से बिलोंग करेगा, ग्रुप का नाम क्या होगा, ग्रुप बोलो कि क्या बोलोगे, ग्रुप 15 नहीं, एक्चुअली क्या होता है ग्रुप 15, तो किन्होंने बोला हम लोग, काम को आसान करने के लिए, लेकिन होता क्या है आपको एग्जाम में 50 करके देगा ना कि। नेक्स्ट अगला बताओ, 39 क्वेश्चन, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, हाइड्रेशन ना, 50A होगा, चेक करो रिवीजन कराया था उस टाइम, बी होगा, बी केवल बी ग्रुप वाले होते हैं, एनसीईआरटी में भी है क्या, हाँ अगर एनसीईआरटी में भी है तो उसको करेक्ट करना, ए हो ये कंफर्म। अब देखो 39 का अगर एनसीईआरटी में गलत है, एनसीईआरटी में ये गलत है, गलत दिया हुआ है, पक्का है। अब देखो 39 का चेक करो, 39 क्या है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन होती क्या है, सबसे पहले तुम्हें वो वही नहीं पता है, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे, देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, क्यू बाय आर प्लस प्लस ऑब्लिक क्यू माइनस बाय आर माइनस, बात क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू बाय आर का मतलब कौन तो पता है ना क्या होता है, चार्ज बाय साइज तो मुझे दिख ही रहा है ना बेटा, उसके अलावा कोई नया टर्म बोलो, इतने साइज में इतना चार्ज पड़ा हुआ है क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी, ये हमारा क्या हो गया बेटा, चार्ज डेंसिटी हो गया। अब मुझे ये चीज बताओ कि ये चीज ध्यान रखना, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी बेटा, यहाँ पर इंक्रीज होगी, बात क्लियर है, अगर हमारी चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी हमारी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ये वाली थ्योरी का मैंने रिवीजन नहीं कराया था, अभी हम रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है,
इस चीज को ध्यान रखना, चार डेंसिटी बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो इसका मतलब जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। बात क्लियर है? अब मैं अगर पीरियोडिक टेबल में डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी। अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो क्या होगा? देखो जैसे मैंने लिखा एल्यूमिनियम प्लस सोडियम प्लस, बोलो Mg प्लस 2, एक में लिखा एल्यूमिनियम प्लस 3। अब यहां से यहां गया तो क्या बढ़ा? चार्ज भी बढ़ा और साइज भी छोटा हुआ। इसका साइज छोटा है, चार्ज भी बढ़ा है, तो क्या होगा? चार्ज डेंसिटी, देखो चार्ज भी बढ़ा हुआ, साइज भी छोटा हुआ, तो चार्ज तो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी की क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब साइज छोटे से साइज में बहुत सारे चार्ज, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। तो चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा? जहां से यहां जाएंगे तो बढ़ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, अब बताओ किसकी हाइड्रेशन ज्यादा हो गई? F की। बेटा F की ज्यादा होगी, F का क्या? क्यों? साइज छोटा है। तुमने साइज तो देख लिया लेकिन चार्ज देखा? चार्ज किसका ज्यादा है? N3 माइनस का। अब ध्यान देना, हमेशा चार्ज फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा साइज, तो किसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी? बात क्लियर है? ये वाली बात ज्यादा पॉइंट किसको समझ में आ गया? अब हमसे क्या बोला है? देखो अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? ये तो सीधा मिल गया, किसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी बताओ? यहां पर सोडियम दिया हुआ है, एल्यूमिनियम प्लस 3 दिया हुआ है, चाहे Mg प्लस 2 दिया हुआ है, तो बताओ किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी? उसके बाद सॉल्व हो गया। चलो एक और क्वेश्चन, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस, चार्ज तो सिमिलर हो गया, अब क्या देखेंगे? साइज बताओ, साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो बताओ किसकी ज्यादा हो गई हाइड्रेशन? अरे आ गया। ये क्वेश्चन का मैं काफी यूज करता हूँ, ये तरीके का काफी यूज करता हूँ, ठीक है? तो इसको अभी से ही अच्छे से कर सकते हैं। अब आ जाएगा तुम लोगों को पेपर, अब पेपर के कंसेप्ट आ जाएंगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा में लिखते जाओ, बार बार याद रखना है और ध्यान रखना है, इस पेपर को घर जाके फिर से करना है, फिर से करोगे फिर से बेनिफिट, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। अब देखो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट 40 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282, बचपन में आप लोग लिखते थे ना 282, टोटल 8, उसमें 8 करो कितना हो? 20, 20 किसका होता है? कैल्शियम। अभी होता है which one of the following regarding correct, तो सबसे पहले 40 वाला आप लोग खुद करोगे क्योंकि theoretical है, theory base है, आपको खुद करना है। ये आखिर मैं कराऊँ बोलो? तीन क्वेश्चन होमवर्क हो गए, एक क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट पर क्वेश्चन, 3 मिनट, जैसे ही 9 मिनट से ज़्यादा हो गए तो छोड़ देना, 9 मिनट होते ही काम केमिस्ट्री छोड़ देना। क्वेश्चन अगर 9 मिनट से ऊपर हो रहे तो जहां तुम्हारा 9 मिनट खत्म हो वहीं पर छोड़ दो, ठीक है? ऐसा करना है हमेशा, टाइम पे चलना है, एकदम टाइम से बने रहना है। अब इसमें भी दो टाइप के एनर्जी वाले दिए हुए, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ठीक है? तो इस टाइप का कांसेप्ट मैंने आपको बता दिया, अभी बता दिया, खुद से करना है या नहीं है? चलो ये वाला भी होमवर्क लगा लो फिर, ठीक है? अब 42 में नया कांसेप्ट है कुछ, 42 में अब आपका नया कांसेप्ट है, 42 में क्या नया कांसेप्ट है बताओ, जल्दी बताओ 42 में क्या है? बोलो बेटा 42 में क्या बोला है? यहाँ पर सेलेक्ट कर डिफरेंट स्टेटमेंट, अब देखो XZ5X1 इसके बारे में क्या बोलते हैं? ना
स्टेबल एक्सी के साथ 5x1 है ना, स्टेबल कहां से हुआ, एक्सी स्टेबल हुआ, पागल लड़का है, बताओ जल्दी से आप, 5x1 क्या होगा, अल्कली मेटल होगा, अल्कली मेटल होगा, ये किसने पता लगा दिया, इसका मतलब मेटल होगा, पता लग गया, आयोनाइजेशन अल्कली मेटल की सबसे कम होती है अपने ग्रुप में, अपने पीरियड में, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ऐसे ही बोलना तो अल्कली मेटल हो गया, अल्कली मेटल कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन ओवर हो रहा हो, ठीक है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, तो क्या मैं इसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, तो इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, अगर यहां पर x है तो ये इजीली x प्लस बन जाएगा, जब ये आपका इजीली x प्लस बन जाएगा तो क्या होगा, जब ये आपका इजीली x प्लस बन जाएगा मतलब इसका इजीली ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, इजीली ऑक्सीडाइज ये हो रहा है तो अपने आप में क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट, ठीक है, और उसी का नेचर क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर भी उसी का ज्यादा होता है, तीनों टर्म एक ही है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, तीनों टर्म एक ही है, क्लियर है बात, क्लियर हुआ बात, समझ में आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट बोलो अगला, सेकंड, सेकंड क्या बोला है, एक्सी 4F14 5P16S2, अब इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हैं, जल्दी बताओ, बोलो हाँ इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हैं, फाइव डी में भर रहे हैं, के डी तो एलिमेंट है, नहीं 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 ये तुम्हें समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ भरा, चलो छोड़ो, तुम्हें ऐसे भी डील कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर, चलो ठीक है, तुम्हें नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इससे अच्छा सीधा तरीका ढूंढेंगे, ढूंढ के नहीं करेंगे, अब तो एक्सी का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 54 by 14 अगर ये एक भी कम होता कौन सा रहता, डी ग्लोब, क्योंकि चेक करो 71 72 से और एक में जाता है, और कहां पे जाता है, 80 कहां पे जाएगा, बोलो ना चेक करो, चेक करो, गलत कर रहे हो, 72 तक जाता है कि 74 तक जाता है, छोड़ो नहीं आया तुमको, लिथियम पर वो एले का कितना होगा, एले का कितना होगा चेक करो, इसका होता है, इसका 71 है, इसका 71 है, इसका कितना है, 3 टोटल 71 है ना,
14 हाँ एक आ गया ना अलग तो ये कौन सा अभी तो इवन और ये आपका कौन सा नंबर है इवन या और ये भी इवन है इवन में अगर कभी भी हो आप जोड़ोगे और तो आएगा क्या तो तुमने 72 पिन कैसे बोला था 71 आया ठीक है 71 कहाँ आएगा यहाँ पर 57 है यहाँ पर कितना है 72 तो 71 ही और बात क्लियर है नेक्स्ट बोलो यारा समझ में आया थर्ड और फोर्थ आप लोग खुद एक्सप्लेन करो ठीक है थर्ड और फोर्थ आप लोग खुद एक्सप्लेन करो अब चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन पे 43 को देखेंगे बेटा 43 में क्या है बेटा ए बी सी डी आर ए को क्या बोला बेटा मुझे जल्दी बोलो जेड माइनस वन बी को क्या बोला बेटा जेड सी को क्या बोला है जेड प्लस वन और डी को क्या बोला है जेड प्लस टू तो कितना हुआ बताओ बोलो कितना हुआ बोलो जल्दी से B is a noble gas. B आपका noble gas. ये आपको क्या दिया है? Noble gas. तो noble gas से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा. तो ये क्या होगा? अल्कली मेटल. एक एटॉमिक नंबर. Noble gas. मान लो ना. इसको नियॉन मान लो. चलो ये noble gas मान लिया नियॉन. ठीक है नियॉन में से एक माइनस क्या तो फ्लोरीन है और हैलोजन इसमें सोडियम और ये मैग्नीशियम हो गया क्लियर आप बताओ क्या होगा जल्दी बताओ वो ए के लिए क्या बोला है ए आपका हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है देख लेते हैं सी क्या एग्जिस्ट कर रहा है प्लस टू नहीं सी के ऊपर क्या होगा प्लस वन D is a alkaline metal. D ये आपका थर्ड थर्ड तो सही है थर्ड के साथ साथ कौन सा सही होगा फर्स्ट जो कि उसके पीरियड में तो सबसे ज्यादा उसी का होगा ना उसके पीरियड में सबसे ज्यादा उसी का होगा लेकिन इससे ज्यादा किसका होता है क्लोरीन का इन सब में से सबसे ज्यादा किसका होगा क्लोरीन का ही होगा ठीक है इन सब में से सबसे ज्यादा किसका होगा क्लोरीन का ठीक है अगला 44 क्वेश्चन बताओ 44 ये कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर एलिमेंट बेटा फोर एलिमेंट मतलब 2s2 2p5 किसका होगा बेटा फ्लोरीन का ठीक है 3s2 3p5 किसका होगा फ्लोरीन का 2s2 2p4 किसका होगा और यहाँ पर ये जल्दी बोलो 3s2 3p4 किसका होगा सल्फर का अब आपसे पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विदाउट साइन थोड़ा विदाउट साइन बोला ये या फिर नहीं अब तुम्हें निकालना है अब तुम्हें निकालना है बेटा इसका जल्दी कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ बेटा यहाँ पर कैसे निकालोगे फटाफट बोलो जल्दी बताओ कैसे निकालोगे देखो इसको कैसे करेंगे फ्लोरीन क्लोरीन लगाओ और यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर लगाओ ठीक है अब बताओ यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा यहाँ से यहाँ जाओगे तो साइन डिग्री होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इसका मतलब क्लोरीन एंड क्लोरीन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन एंड सल्फर से अब मैंने आपको बताया था सेकंड पीरियड एलिमेंट का कम होता है इससे ये भी थर्ड तो क्या जाएगा फ्लोरीन का सबसे ज्यादा उसके बाद क्लोरीन क्लोरीन के बाद सल्फर अरे सॉरी उल्टा होगा हाँ क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा क्लोरीन फिर कौन आएगा सल्फर फिर कौन आ जाएगा अब सल्फर किसके लिए था कौन से लिए था सल्फर आपके लिए फोर्थ के सबसे लिस्ट कौन सा बता रहा है थर्ड उसके बाद फोर्थ के लिए सल्फर क्लोरीन किसके लिए था फर्स्ट के लिए सेकंड सबसे ज्यादा कैसे डील किया क्वेश्चन को समझ में आया सबसे पहले मैंने पीरियड वाइज देखा देन मैंने किस वाइज देखा ग्रुप वाइज बात क्लियर हुआ अब पक्का समझ में आ गया पक्का समझ में आ गया अगला डायरेक्टली तुम्हारा पॉलिंग स्केल से क्या होता पड़ता है अरे तो मोलिकुलर स्केल क्या होता है एवरेज ऑफ ई ए प्लस तो क्यू का क्या आएगा टू आएगा
टू का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन ए और सी क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए और सी ही करेक्ट होंगे। मूलिकंद का बताया था ना, आई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय टू। अगला क्या है? ऑलरेड और रोजोव का क्या था फॉर्मूला बोलो? 0.744 प्लस 0.359 मल्टीप्लाई बाय जेड इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन आर कोवेलेंट। अरे यहां पर जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर, मतलब मैंने उल्टा लिखा लेता जैसे जल्दबाजी में जेड इफेक्टिव बाय आर आर स्क्वायर कर लेना उसको, तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों का यहां पर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं चेक कर लूंगा। आगे बोलो थर्ड का, थर्ड बताओ। यहाँ पर ऑलराउंडर और आपको रोजो वाला आ गया। अगला कॉलिंग स्केल किससे निकलता है? कॉलिंग स्केल में भी कौन सा टर्म यूज करता था अंडरवुड के अंदर? क्या आ जाएगा पी का? अब देखो तुम्हारा सब एक्सप्लेन है, सारे फॉर्मूले लिखो जा। ठीक है, तो ये मैंने 45 क्वेश्चन कराए और ये 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल से टाइम पे थोड़ा दिमाग लगा के तुमको खुद अप्रोच करना है। ठीक है, आंसर हम गलत करेंगे तो कोई आंसर देखेगा नहीं, गलत सलत सब सही कर सब ही करके लिया। ठीक है, ठीक है। और मैंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए होमवर्क टाइम के टाइम में, तो ठीक है, तो आप लोग करो, आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन दिया होगा उसमें मैंने? 33, 35, 37, 40, 41 और ये 5 कितने हुए टोटल? कितने कौन कौन क्वेश्चन हुए? 10, 5 इंटीजर 10 क्वेश्चन हुए। 10 क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगना चाहिए? 20 मिनट से ज्यादा लगे तो पेपर छोड़ देता है, टाइमर लेके बैठना है, 20 मिनट में ही सॉल्व करना है, एक्सप्लेन करना। ठीक है, 20 मिनट से ऊपर आप लोगों को नहीं सॉल्व करना। ठीक है, तो 20 मिनट पूरे दिन में आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो 20 मिनट आपको इसको सॉल्व करना है और आपको बचे हुए मतलब बचे हुए 30 मिनट पहले आपको रिवाइज भी करना है। 30 मिनट पहले आपको क्या करना है? रिवाइज, देन आफ्टर 20 मिनट आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। 20 मिनट से ज्यादा होते छोड़ सकते हो, मैं आपको इसके लिए कोई फोर्स नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना सर 20 मिनट में 5 ही हुए। ठीक है, तुम लोग गलत सलत भी सही कर क्वेश्चन करके लेके आओ, जो क्वेश्चन नहीं होने लायक है वो मुझे पता है, तो ऐसा नहीं है कोई आंसर चीट नहीं करेगा मीन्स। ठीक है, तुम लोगों की आदत बन चुकी होगी अभी तक, वो तुम लोग पेपर देते थे ऑनलाइन तो यहाँ से क्वेश्चन कॉपी किया वहाँ छापा वहाँ से आंसर आया भाई यहाँ, तो ऐसा कोई गलती से भी मत कर। ठीक है, मुझे पता पड़ जाएगा सॉल्यूशन भी, खासतौर से मेरे घर मुझे सबका सॉल्यूशन देख के पता पड़ जाएगा कि कहाँ से कौन सी चीज कौन से वेबसाइट से निकाली। ठीक है, इतना तो मुझे पता, तो ये चीज़ तुम लोग कर लोगे पक्का। तो आप लोगों को कितने मिनट का होमवर्क मिला है आज? 20 मिनट और 30 मिनट भी दिया, कितने मिनट का? 50 मिनट। तो घर जाके आपको 50 मिनट में कंप्लीट करना है, एक बार पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना है, देन आफ्टर आप लोगों को ठीक है करो, तुम लोग स्टार्ट करो एक बार। तुम लोग ना ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको एक बार जो जो सॉल्व किए उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लो। ठीक है बेटा, बेटा बातें मत करो तुम लोग,
Thank you.
डॉक्टर, इसको डॉक्टर।